प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज पर और आपके साथ में प्रदीप योगी। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की देर शाम की खबरें। भवानी मंडी के राजकीय बिरला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र छात्राओं को अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन मधु कुमारी द्वारा किया गया। पायल पाटीदार, मीनू कुमारी, राजेंद्र कुमार, उर्मिला, कविता सहित अन्य छात्र छात्राओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में नेमीचंद मीणा, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना, ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भवानी मंडी कृषि उपज मंडी के उपाध्यक्ष पत्रकार राजेश जैन भी उपस्थित रहे। भवानी मंडी के जेके हॉस्पिटल में अरोड़ा आई केयर सेंटर पर जेके हॉस्पिटल चिकित्सालय एवं बहुउद्देशी जन कल्याण समिति व जिला अंधता निवारण समिति कोटा एवं झालावाड़ के संयुक्त तत्वावधान में नोवेस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का 24 सितंबर को आयोजन किया गया। वरिष्ठ सहायक नेत्र चिकित्सक अमित अरोड़ा ने बताया कि शिविर में 70 रोगियों की निःशुल्क जांच की गई एवं 27 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया। भर्ती मरीजों को कोटा स्थित सुधीर गुप्ता आई हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपित किया जाएगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे के अरोड़ा ने बताया कि निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर प्रत्येक माह की 24 तारीख को निरंतर आयोजित होता रहेगा। शिविर में डॉक्टर जे के अरोड़ा, वरिष्ठ सहायक नेत्र चिकित्सक अमित अरोड़ा, गणेश सालेचार, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, राजेश बसवाल, जितेंद्र बनवाली आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स क्लब के सभागार में बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर जे के अरोड़ा की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैंक द्वारा 2021-22 में शुद्ध लाभ रुपये 229.38 लाख अर्जित किया गया, अब तक के बैंक इतिहास में सर्वाधिक रहा है। बैंक के सदस्यों की 10% वृद्धि दर के लाभांश वितरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वार्षिक साधारण सभा का आगामी वर्ष 2023 का बजट तथा वार्षिक व्यवसायिक योजना स्वीकृत की गई। सहकारिता क्षेत्र में इस बैंक ने अपनी विशेष पहचान स्थापित की। उन्होंने बताया कि बैंक का नेटवर्क 2256.96 लाख रुपए से बढ़कर 2541.26 लाख रुपए रहा है। बैंक का शुद्ध एनपीए ऋण शून्य है। बैंक निरंतर अश्रेणी में वर्गीकृत है। बैंक की निर्धारित पूंजी पर्याप्त अनुपात 9% की तुलना में 80.40% रहना बैंक का सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का परिचायक है। डॉक्टर जे के अरोड़ा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में बैंक ग्राहकों की सेवा को सर्वोपरि प्राथमिकता देने का आह्वान किया एवं आमजन को बैंक की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया। भवानी मंडी शहर में सिंधी धर्मशाला में आज माही ब्यूटी पार्लर द्वारा हेयर केमिकल मास्टर क्लास का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके की गई। वहीं कार्यक्रम में कोटा से आए हेयर केमिकल क्लास मास्टर चेतन खत्री द्वारा ब्यूटिशियनों को हेयर केमिकल के बारे में जानकारी दी। वहीं कई ब्यूटिशियनों को हेयर केमिकल सर्टिफिकेट व शील्ड देकर सम्मानित भी किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सोना नरबान, ममता आर्य, कविता शर्मा, रजिया अली, पूजा तिवारी, नीता शिका जैन, मोना आर्य, शबाना बानो, नईम खान, जुबेर खान, मनीष संतवानी, राम बेरवा सहित कई ब्यूटिशियन मौजूद रही। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जालौर विधानसभा 133 में कोटा के कांग्रेस वरिष्ठ नेता विट्ठल दास अपने कार्यकर्ता के साथ कर रहे हैं प्रचार। वहीं भवानी मंडी पार्षद राकेश मकवाना द्वारा नंदी गांव में ढाणी ढाणी जाकर कांग्रेस के हित में मतदान करने की ग्रामीणों से अपील की। 5 दिवसीय कार्यक्रम में कोटा के कांग्रेस वरिष्ठ नेता विट्ठल जिला 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उन्होंने सत्ता से बाहर करना है, इसलिए हमें एकजुट होकर सभी को काम करना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमें कांग्रेस का साथ होकर कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। गंगदार ग्राम पंचायत बर्डिया बिरजी में चल रही सामाजिक अंकेक्षण के दौरान आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत भवन पर ग्राम सभा का आयोजन सरपंच पूजा बाई की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक अंकेक्षण की टीम द्वारा निरीक्षण किए गए समस्त कार्यों का वाचन किया गया, जिसमें इंटरलॉकिंग तालाब निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना सारे कार्यक्रम और योजनाएं थी, उसके बारे में किए गए निरीक्षण के बारे में ग्रामवासियों से समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंदसौर शहर में 26 सितंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का शुरुआत होगी, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कथा आयोजन समिति द्वारा कथा को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है।
अंतिम चरण पर जा पहुंची है तैयारियां। इधर प्रशासन व पुलिस का अमला भी कथा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए इंतजाम करने में जुट गया। इसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था है, इसमें पार्किंग से लेकर रूट को बदला जाना है। ऐसे में कथा के दौरान सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यह बदलती हुई व्यवस्था लागू रहेगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कथा के दौरान घर से बाहर निकले तो शहर की बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था को अपने ध्यान में रखें। इधर पुलिस ने भी व्यवस्था को लेकर मेगा प्लान बनाते हुए इसका नक्शा तैयार किया है और शहर के चारों दिशाओं से आने वाले रास्तों के हिसाब से पार्किंग से लेकर रूट को डाइवर्ट किया है। वहीं कथा स्थल पहुंचने वाले सभी मार्गों पर संकेतक भी लगाए गए हैं। पुलिस ने इस बदली हुई व्यवस्था को 26 सितंबर से लागू किया है, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए इसे 23 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है, उस यूनियन से भी हमारी बात हुई है। वो यूनियन के बंधु बिल्कुल नॉमिनल शुल्क पर लाएंगे। कुछ ऑटो टेम्पो वाले मैजिक वाले हैं, उनने स्वतः कहा है कि हम हमारी ओर से निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, कथा सुनने वालों को कथा पांडाल तक हम निःशुल्क पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ ऑटो और टैक्सी वालों ने अपना स्वयं का निर्णय लेकर के हमको बताया। हमारी लगभग 20 से 22 प्रकार की टीमें हैं। मंदसौर जिले के गांव कोलवा के श्री शनिदेव मंदिर समीप मगरे पर स्थित गौशाला परिसर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन क्षेत्र के ग्रामवासियों के सहयोग से चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन कथावाचक पंडित गोपाल कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा प्रसंग अनुसार श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव आयोजन भी किया गया। विवाह उत्सव के आयोजन में श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। कविता स्पोर्ट्स आपके शहर भवानी मंडी के लिए लेकर आए हैं खेल से जुड़ी सभी सामग्रियां एक ही छत के नीचे, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एवं स्पोर्ट्स शूज विशेष करके सेगा कंपनी के एवं इत्यादि सभी स्पोर्ट्स की सामग्रियां उच्च क्वालिटी की निम्न रेट पर उपलब्ध है। हमारा पता है भराड़िया चौराहा नई सब्जी मंडी के पास भवानी मंडी। प्रोप्राइटर शंकर सिंह चौहान, जिनका मोबाइल नंबर है 9928408821। तो चले आइए विश्वास का दूसरा नाम कविता स्पोर्ट्स। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। चुड़ के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई
छोड़ के मत जाओ, एक नीर बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। Thank you.